महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन, आप सभी मित्रों का फिर से महादेव संस्कृत यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं निंदन करता हूँ। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। आज की इस श्रृंखला में संधि प्रकरण के छठे वीडियो में हम लोग स्वर अथवा अच संधि के वृद्धि स्वर संधि पर बात करेंगे। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धि सॉरी वृद्धिरादैच तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, देख लें वृद्धिरेचि, क्या है वृद्धिरेचि। ये अष्टाध्याय के छठे अध्याय के प्रथम पाद का 28वां सूत्र है, 88 सूत्र है वृद्धिरेचि। ये क्या कहता है कि वृद्धि एचि, यदि एचि परे हो तो वृद्धि हो जाए। अब किसके एच पड़े हो तो आद गुणा से हम लोगों ने आद की अनुवृत्ति ले लेंगे। अब ऐसे बनेगा सूत्र कि आद के परे यदि आद के बाद एच प्रत्याहार का योग हो रहा है तो वृद्धि हो जाए, तो क्या हो जाए वृद्धि। इसी को उन्होंने परिभाषा को हिंदी अर्थ दिया है, जब आ या ह्रस्व या दीर्घा के बाद ए या आई आए तो आई हो जाए, और ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर औ हो जाए, देख ले औ हो जाए। इतना चीज संक्षेप में कहते हैं आत। आत कहाँ से आया, आद गुणा से, जिसके पहले जिष्ट पहले का सूत्र है उससे जो है हम गुड़ संधि, जो गुड़ संधि का विधायक सूत्र था आद गुणा, उससे आत ले लिए और वृद्धि वाला एच, तो आत और एच का जब योग होगा तो वृद्धि होगी। अब वृद्धि क्या है, वृद्धि के लिए उन्होंने हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र पढ़ा था वृद्धि राजैच। ये कहते हैं कि आ आत ए आई, सॉरी वृद्धि राजैच में तीन वर्ण बताए थे आ आई और औ, ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है, तो ये वृद्धि हो जाएंगे। अर्थात आत और एच का जब योग होगा तो वृद्धि हो जाएंगे। वृद्धि में तीन वर्ण आते हैं, देख लें, पहला वर्ण आ है, दूसरा वर्ण आई है और तीसरा वर्ण औ है। ये तीन वर्ण हो जाएंगे वृद्धि में। अब इसी चीज को उन्होंने और स्पष्ट किया है कि यदि ह्रस्व या दीर्घा का योग, ह्रस्व या दीर्घा का योग जब ए अथवा आई से हो तो आई हो जाए, ह्रस्व या दीर्घा का योग जब ओ अथवा औ से हो तो औ हो जाए। अब वृद्धि संज्ञक कौन कौन है अक्षर, इन्होंने इसके पहले हम लोग वृद्धि संज्ञा सूत्र पढ़ाया, वो वृद्धि संज्ञा सूत्र था वृद्धिरादैच, क्या था वृद्धिरादैच। ये क्या कहता है देख लें कि सूत्र में वृद्धि संज्ञक तीन वर्णाएँ बताए गए हैं आ आई और औ, अतः वृद्धि संधि में पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि आ आई औ हो जाता है। देखिए वृद्धि संज्ञा दोनों वर्णों के स्थान पर होता है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक नया आदेश होता है, और जो आदेश होता है वो आ हो जाता है अथवा आई हो जाता है अथवा औ हो जाता है। वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धिरेचि है, और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धिरादैच है, और वृद्धि संधि करने वाला सूत्र वृद्धिरेचि है। दोनों का अंतर देख लें। इस सूत्र का अर्थ करने के लिए आदगुणा से आद की अनुवृत्ति ले लेते हैं, किसकी अनुवृत्ति ले लेते हैं आद की, तो अर्थ होगा आत प्लस एच बराबर वृद्धि। वृद्धि में तीन वर्ण आ जाएंगे दीर्घा आई और औ। अब इस तरह ये पॉइंट में देख सकते हैं कि ह्रस्व या दीर्घा के बाद ए ओ आई औ आए तो क्रमशः ए अथवा औ हो जाए। वृद्धि संधि के उदाहरण देख लें कुछ, तो पहला उदाहरण ये दे रहे हैं वृद्धि संधि का, देख लें पहला उदाहरण है कि यहाँ ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ए और आई आए तो आई हो जाए। उदाहरण दिया सदा प्लस एव, ये उदाहरण था सदा प्लस एव, संधि विच्छेद है। अब देखिए सदा में आ है, सदा में दीर्घ आकार है, सॉरी सदा में क्या है दीर्घ आकार, और एव का ए है, अर्थात और ए का योग हो रहा है तो आई हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है आई। यहाँ भी इन्होंने दिखाया है स्लाइड में बगल में आ प्लस ए बराबर आई, और इस तरह पूरा संधियुक्त पद करेंगे तो सदैव बन जाएगा, क्या बन जाएगा सदैव। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं वृद्धि संधि का, दूसरा उदाहरण आपके सामने है, ये है ह्रस्व या दीर्घ
आगे बाद ओ अथवा औ आवे तो औ हो जाता है। उदाहरण दिया जल प्लस ओगा जलौघा। देखिए जल, यहाँ जल में ह्रस्व आ है और ओघा में ओ है, औ है, और दोनों मिलकर औ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? औ। और जब संयुक्त पद करेंगे तो जलौघा बनेगा। अर्थात कहने का प्रयास है कि यहाँ पर ह्रस्व आ और ओ का योग होकर औ बन रहा है। क्या हो रहा? औ। यही वृद्धि संधि है। आगे अन्य उदाहरण देखें, कुछ प्रसिद्ध उदाहरण। देखिए पहला उदाहरण है, हम सबका मिश्रित उदाहरण दे रहे हैं। ये इना प्लस एवं नैवम, या प्लस एवं एवं, लता प्लस ऐसा लतैसा, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम। अगला उदाहरण देखें, धन प्लस ए सणा धनैषणा, पंच प्लस एते पंचैते, विद्या प्लस ऐश्वर्यम विद्यैश्वर्यम। अब इसका उदाहरण देख लें, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ओ अथवा औ आवे तो औ हो जाता है। वन प्लस औषधि वनौषधि। पहला उदाहरण, देव प्लस औदार्यम देवौदार्यम, महा प्लस औषधि महौषधि, वन प्लस औकसा वनौकसा। देखिए वन प्लस औकसा वनौकसा, पुष्प प्लस ओका पुष्प ओका, कन्या प्लस ओदकम कन्योदकम। ये आगे भी देख लें हम लोग, यहां भी स्लाइड में आप देख लें कि वृद्धि संधि सूत्र है वृद्धि रेची। इसको इस तरह हम लोग पैराग्राफ में देख सकते हैं कि अक आ आ हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद यदि ए सवर्ण एच आए ए आई ओ औ तो वृद्धि हो जाए। अब वृद्धि क्या होगा? आर होगा, आई होगा, औ होगा। आर मतलब आ ही होगा वृद्धि, लेकिन यहां जब री के साथ आएगा तो आर आदेश होगा रपर के साथ। उदाहरण दे रहे हैं, आ प्लस आ, आ प्लस ए बराबर आई। यहां देखिए ये देखिए उदाहरण देगा, यहां पे ये दे रहे हैं आ प्लस ए बराबर आई, एक प्लस ए कम एक एक कम। उसके बाद आ प्लस आई बराबर आई, आ प्लस आई बराबर आई, मत प्लस एक ऐक्यम बराबर मत ऐक्यम, आ प्लस ए बराबर आई, सदा प्लस ए बराबर सदैव। उसी तरह आ प्लस आई बराबर आई, सदा प्लस ऐक्यम बराबर सदैक्यम। उसी तरह आ प्लस ओ बराबर औ, जल प्लस ओगा बराबर जलौघा। ये आगे देखते हैं, यहां भी देख लें, आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ, तो जल प्लस औषधयम बराबर जलौषधयम, आ प्लस ओ बराबर औ, गंगा प्लस ओगा बराबर गंगौघा, आ प्लस ओ बराबर औ, महा प्लस औषधि बराबर महौषधि। आइए आगे उदाहरण देखें। इस तरह वृद्ध संधि का यही चार्ट के माध्यम से आप देख लीजिए, जो स्लाइड में दिख रहा है, यही इसका मेन नियम है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते, तब तक के लिए महादेव।